नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या कहती है भावना। आज है 7 सितंबर, थर्सडे का दिन है। इसी के साथ साथ प्रतिपदा तिथि है आज, और राहु काल का जो समय रहेगा 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का जो समय है, ये वर्जित समय है, राहु काल का समय है। इस समय में आप कोई भी नया काम या कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी राशियों की तरफ, जानते हैं आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा है। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है 4 of Cups। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है आज बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है व्यवसायिक मामलों में भी और लव रिलेशनशिप्स में भी। आज उपाय आप ये कर सकते हैं, गणेश स्तुति आपको पढ़नी है। बात करते हैं टॉरेंस की, आज का दिन उनके लिए कैसा है। आपके लिए कार्ड निकलता है 6 of Cups। आज एक स्टेबिलिटी तो मेंटेन करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ खर्चों में भी आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप्स आज बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आज पेरेंट्स की सलाह मानकर कोई काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय आपको ये करना है, लक्ष्मी स्रोत का पाठ आपको करना है। बात करते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं आज का दिन जेमिनाइज के लिए कैसा है। आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है 8 of Cups। आज कहीं ना कहीं कुछ क्वारल्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। उपाय आपको ये करना है, आज किसी भी मंदिर में जाकर के काली उड़द और काले तिल का आपको दान करना है। बात करते हैं कंसेरेंस की, आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है 9 of Pentacles। आज हो सकता है लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन शाम के बाद का जो समय है, 4 बजे के बाद का जो समय रहेगा आपके लिए, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी डाइजेशन से रिलेटेड या फिर फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है, कहीं ट्रैवलिंग में भी आपको अवॉइड करना है। बात करें आज अगर उपाय की, तो आज के दिन में आपको भगवान गणेश के ऊपर दूर्वा घास चढ़ानी है। बात करते हैं आज का दिन लियोस के लिए कैसा है। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है 8 of Swords। आज के दिन में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी दिन के शुरुआत में, हो सकता है थोड़ा सा लेथार्जिक आप रहें, लेकिन जैसे जैसे आप दिन में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। आज स्पाउस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाली है। उपाय आप ये कर सकते हैं, आज भगवान विष्णु की उपासना करनी है और किसी भी विष्णु मंदिर में जा करके किसी पीली चीज़ का आपको दान करना है, वो मिष्ठान से रिलेटेड होनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि के बारे में, वर्गोस के लिए आप लोग कार्ड निकल रहा है द लवर्स। आज एनर्जीज का बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी बिजनेस की नई शुरुआत करना आज बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आज के दिन में, क्योंकि पितरों का समय चल रहा है, किसी भी काम की नई शुरुआत करेंगे तो अपने पितरों को, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको याद करके उस चीज़ की शुरुआत कीजिए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, उपाय के रूप में भी आपको बता देती हूँ कि आज के दिन में आप कोई भी तर्पण करते हैं तो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का पितृ का तर्पण करते हैं वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में करते हैं। बात करते हैं लिब्रंस के लिए, आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है 9 of Wands। आज हो सकता है वर्क प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, अपने काम को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। इसी के साथ साथ आज स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा दिन है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने पढ़ाई को लेकर के। उपाय आज सरस्वती मंत्र का जाप आप करेंगे 11 बार, सुबह करेंगे तो बेटर रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है 10 of Cups। आज सेलिब्रेशन का टाइम है, हो सकता है किसी गेट टुगेदर में आप बिजी रहें। शाम का जो समय है वो ट्रैवलिंग के लिए आप निकाल सकते हैं। उपाय आप ये कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ आपको करना आज अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेजिटेरियंस के लिए, आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है 9 of Swords। आज हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, आइस रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आज आपको परेशान करेगी। थोड़ा सा दिन की शुरुआत लेजीनेस के साथ होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सपोर्ट मिलती जाएगी। उपाय आप ये करेंगे, आज भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके किसी भी पीले वस्त्र का दान आपको करना है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है द डेथ, यानी कि आज बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस में आप बिजी होने वाले हैं, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों से हेल्प भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अपना मन उदास बिल्कुल भी मत कीजिए। आज उपाय आप ये करेंगे, माँ लक्ष्मी के आगे आपको खीर का भोग लगाना है, और उस खीर को अगर आप मंदिर में बांट देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं एक्वेरियस के लिए, आज का दिन आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। कार्ड निकल रहा है 2 of Pentacles। जो लोग पार्टनरशिप में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, आज मनी मैटर्स को लेकर थोड़ी सी परेशानी, कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा उनका भटकाव रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी पढ़ाई को लेकर के। उपाय आप ये कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा करके काले तिल का आपको दान करना है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, आपके कार्ड निकल रहा है 9 of Cups। बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स आज अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लेके आने हैं। इसी के साथ साथ आज के दिन में जो सुबह का समय रहेगा, सुबह के समय आपको भगवान शिव के ऊपर पीले पुष्प चढ़ाने हैं, और शाम के समय आपको किसी भी मंदिर में जाकर के छतरी या खड़ाऊ दान करने हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक
आर्थिक तंगी जो है वो खत्म हो जाएगी। 12 राशियों का हाल आपने जान लिया, साथ ही आपने जाना आज का दिन आपका कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ आपसे विदा लेने का समय हो गया है, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।